तो राजस्थान विधानसभा के कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेता और हज कमेटी के अध्यक्ष अमीन कागजी ने कल रोजा इफ्तार का कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की, साथ ही कांग्रेस के कई गणमान्य नेताओं ने भी शिरकत की। हमारे रिपोर्टर महेश यादव की खास खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने हमारे रोजादार भाइयों के लिए इफ्तार का जो इंतज़ाम किया है, आज उसी को हम आपको लाइव भी दर्शाएंगे और इसमें कई गणमान्य व्यक्ति और सभी धर्मों के, सभी समाज, सभी वर्गों के लोग इसमें, इस पुण्य कार्य में जो रोज़ादारों के लिए एक पवित्र महीने की तरह होता है, हिंदू समाज की तरह एक व्रत की तरह होता है, उसमें सभी वर्गों के और सभी समाज के लोग एक साथ मिलकर और इन रोज़ादारों के लिए इफ्तार में शरीक हो रहे हैं और साथ में इसमें हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई जो अपना भाईचारा दर्शा रहे हैं, वो एक सराहनीय काम है। आज मैं आपको हमारे चैनल के द्वारा ये बिल्कुल दिखाऊंगा कि देखिए हमारी गंगा जमुनी तहजीब जो बरसों से चली आ रही है कि आज भी हम एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हैं और जो हमारी सोच है और जो युवाओं की सोच होनी चाहिए वो हमारे अनुसार, वो एक शायर ने कहा है कि दिवाली में अली बसे और राम बसे रमज़ान, और ऐसा होना चाहिए मेरा हिंदुस्तान। मैं महेश यादव, रिपोर्टर कैमरामैन रजाक भाई के साथ आज तक।